नमस्कार दोस्तों, आज हम लाइव बातचीत कर रहे हैं डेरा सच्चा सौदा में आई हुई महिलाओं से। जानते हैं क्या कारण है उनके आज भी डेरा से जुड़े होने का। नमस्कार मैम, आपका नाम? रितु इंसा। कितने समय से आप डेरे से जुड़ी हुई हैं? हम ही हो गए कम से कम 20 साल। मैम आप इतने लंबे समय से डेरे से जुड़ी हुई हैं, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आज भी आप डेरे में आई हुई हैं, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि पिताजी ने हमें जो कुछ दिया, सिर्फ पिताजी ने दिया और किसी ने कुछ भी नहीं दिया। पिताजी की वजह से आज हम जिंदा हैं, क्योंकि पिताजी हमें हर सच्ची राह दिखाते हैं, उन्हीं की वजह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। आज भी आपका इतना विश्वास है, आपको इतनी आस्था है गुरुजी के प्रति, इसका क्या कारण है? क्योंकि हमारा मन कहीं और लगता ही नहीं, क्योंकि पिताजी हमें सिर्फ यहीं खींचे लेके आते हैं और उन्हीं की वजह से ही हम सब कुछ कर पाते हैं। अगर पिताजी नहीं होते तो हम जिंदगी में कुछ भी ना कर पाते। तो क्या आप आगे भी डेरे से जुड़ी रहेंगी? हाँ जी, ये पक्का विश्वास है कि हम डेरे से जुड़ी रहेंगी। पिताजी पे इतनी मुसीबत आई है, लेकिन उन्हें कोई ना कोई जरूर बाहर निकालेगा, उनकी वजह से ही आज हम सब कुछ हैं, वरना कुछ भी नहीं। अगर बात की जाए यहाँ महिलाओं की सेफ्टी को लेके, तो किस तरह की सेफ्टी यहाँ महिलाओं को प्रोवाइड की जाती है? समाज के लिए क्या किया है गुरुजी ने? समाज के लिए उन्होंने नारियों को ऊंचा उठाया है। अगर बात की जाए महिलाओं की सेफ्टी को लेके, तो किस तरह की सेफ्टी यहाँ महिलाओं को दी जाती है? यहाँ पर महिलाएं बिल्कुल अलग रहती हैं, जिस तरह जेंट्स अलग रहते हैं, लेडीज़ बिल्कुल अलग रहती हैं। उनको किसी तरह की उनकी इज्जत पर बिल्कुल भी उंगली नहीं उठाई जाती, यहाँ तक कि वैश्यों को उन्होंने घर बार दिलाया है और उनको समाज में ऊँचा स्थान दिलाया है। तो आप आगे भी डेरा से जुड़ी रहेंगी? हाँ जी बिल्कुल।